हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने पाठ्य परिदृश्य के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि पाठ्य परिदृश्य किसे कहते हैं और फिर पाठ्य परिदृश्य के प्रमुख स्रोत क्या है, इसका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य परिदृश्य का की विशेषता है। पाठ्य परिदृष्टि या परिदृश्य के अनुसार भारतीय समाज का पार्श्व चित्र यानी पुस्तकीय दृष्टि के अनुसार भारतीय समाज का जो पार्श्व चित्र उभरता है या जो दृष्टिकोण दिखाई देता है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं है ना। तो क्या विशेषताएं दिखती है पाठ्य दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर भारतीय समाज की क्या विशेषताएं दिखती है, ये मैं आपको बताती हूँ। पहला है वर्ण व्यवस्था। वर्ण का अर्थ है ग्रहण करना या धारण करना, यानी कि अपनी जन्मजात रुचियों, क्षमताओं और रुझानों के आधार पर व्यक्ति जिस कर्म क्षेत्र को धारण करता है वही उसका वर्ण कहलाता है। मानव की जन्मजात प्रवृत्तियाँ तीन प्रकार की हो सकती है, सत, रज और तम। सत और तम परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ हैं, एक की उपस्थिति दूसरी की अनुपस्थिति है, इसलिए सत और रज का मिश्रण हो सकता है और रज और तम का मिश्रण हो सकता है। इसके अनुसार भारतीय सामाजिक संगठन में व्यक्तियों को चार वर्णों में बांटा गया था। पहली श्रेणी उन व्यक्तियों की थी जो कि शुद्ध रूप से सात्विक प्रवृत्ति के थे, अर्थात जिनकी रुचि सभी वस्तुओं को वस्तुओं और धारणाओं के संबंध में विशुद्ध सत्य को खोजने में और सत्य के अनुसार आचरण करने की दृढ़ता में थी। ऐसे व्यक्ति ही सत्चित आनंद कहे गए, वे ही लोग ब्राह्मण कहलाए, है ना। फिर दूसरी श्रेणी उन व्यक्तियों की थी जिनमें रजोगुण प्रधान था परंतु सात्विक प्रवृत्ति का अंश भी मौजूद था। वे एक ओर ऐश्वर्य एवं शक्ति की ओर आकर्षित थे तो दूसरी ओर धर्म की आवाज़ पर बिना क्षण भर मोह किए अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तत्पर थे, यानी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तत्पर थे, ये लोग क्षत्रिय कहलाए। और तीसरे श्रेणी उन मनुष्यों की बनी जिनमें राजसिक तत्व तो शेष था परंतु तामसिक प्रवृत्ति का भी मिश्रण हो गया था। वे धन संपदा और ऐश्वर्य को जीवन में प्रधानता देते थे, ये उन्हें प्राण से भी अधिक प्यारे थे। वे दान पुण्य में विश्वास करते थे परंतु धनोपार्जन उनके जीवन का लक्ष्य था। ऐसी वृत्ति के मनुष्यों को वैश्य वर्ण की संज्ञा दी गई। अंतिम रूप से ऐसे व्यक्ति शेष रह जाते हैं जो विशुद्ध रूप से तामसिक प्रवृत्ति के थे, वे शूद्र वर्ण की श्रेणी में रखे गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन वाली व्यवस्था नहीं है, वरन मनुष्य के मूल स्वभावों पर उनकी श्रेणीबद्धता हमारे भारतीय समाज में विद्यमान थी। फिर दूसरा है आश्रम व्यवस्था। आश्रम से तात्पर्य किसी विश्राम स्थल या ठहरने की जगह से नहीं है। वास्तव में मानव जीवन मनुष्य के समस्त जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया है। ये मानव जीवन यात्रा के चार पड़ाव माने गए हैं। आश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन की औसतन आयु 100 वर्ष की अवधि को चार संभागों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन की तैयारी से संबंधित होता है। 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति गुरुकुल में संयमित और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, शिक्षा प्रशिक्षा एवं दीक्षा प्राप्त करता है। यह इंद्रियों पर संयम सीखने का काल है ना। आगामी जीवन के लिए आवश्यक रूप से ब्रह्मचर्य रह करके व्यक्ति व्यवहारिक जीवन की कुशलता
इसी आश्रम से प्राप्त करता है। फिर दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष की आयु के उपरांत प्रारंभ होता है। व्यक्ति विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम समाज की आधारशिला है। इसमें व्यक्ति धर्म अर्थ काम की पूर्ति करता है। फिर तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। जीवन के 50 वर्ष बीतने के बाद में गृहस्थी के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इसका मतलब है कि अब अपना कार्यभार अपने योग्य उत्तराधिकारी के हाथ में सौंप करके गृहस्थ के मुख्य केंद्र से हट जाए। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने गांव और शहर की सीमा पर कुटिया बनाकर रहते थे और वे पूरे समुदाय से जुड़ जाते थे और अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से वे समुदाय की युवा पीढ़ी को सलाह और निर्देशन देते थे। फिर अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। ये सत्य की ओर उन्मुख का प्रयास है। 25 वर्ष वानप्रस्थ के बीच जाने पर व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, यानी अब व्यक्ति की आयु 75 वर्ष की हो जाती है। अब व्यक्ति निवृत्ति के पद पर पक्का हो चुका होता है। सभी सांसारिक नाते रिश्ते समाप्त हो चुके होते हैं। व्यक्ति की आत्मा इन सभी नाते रिश्तों के रहस्यों को समझ चुकी होती है। सन्यासी का कोई अपना नहीं होता, सन्यासी सबका होता है। उसके लिए ये विधान है कि वह किसी भी एक स्थान पर 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगा और बस्ती में नहीं ठहरेगा, बल्कि बस्ती से बाहर निवास करेगा। सन्यासी भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार रहे हैं। जो व्यक्ति लाभ हानि, जय विजय, सुख दुख, यश अपयश, जीवन मरण, मिलन विरह, अपने पराये के द्वंद्वों के संघर्ष से मुक्त हो जाता है, वही व्यक्ति सन्यासी कहलाता है और वही जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। फिर नेक्स्ट है कर्म एवं पुनर्जन्म। भारतीय समाज के शास्त्रीय आधारों के में कर्म एवं पुनर्जन्म का भी प्रमुख स्थान रहा है। हिंदुओं में आत्मा को अमर मान लिया गया है तथा यह विश्वास किया जाने लगा है कि आत्मा शरीर को छोड़ने से पहले ही यह निश्चित कर लेती है कि उसे किस जीव में प्रवेश करना है। यह प्रवेश व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्मों का फल हर व्यक्ति को अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता हुआ असंख्य योनियों से होकर के गुजरता है और कर्मों के अनुसार ही शरीर प्राप्त करता है। अतः हिंदू धर्म व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में कर्म एवं पुनर्जन्म के विचार हिंदुओं के लिए हर युग में प्रेरणा का प्रमुख स्रोत रहे हैं, है ना। यही इनकी आशावादी प्रेरणा ने ही भारतीय समाज को सदा ही प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में विकास के अवसर प्रदान किए गए हैं और भाग्यवादी पक्ष ने सामान्य जीवन को संगठित रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, है ना। फिर नेक्स्ट है धर्म की महत्ता। भारतीय समाज के शास्त्रीय आधारों में धर्म भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक विशिष्ट अर्थ वाला पद है। इसका अंग्रेजी में शब्द रिलीजन, इसका अंग्रेजी में अनुवाद रिलीजन शब्द द्वारा नहीं किया जा सकता और न ही उर्दू भाषा का शब्द मजहब इसके आशय को स्पष्ट करने में पर्याप्त है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार धर्म सार्वभौम नियम के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसी के द्वारा ही किसी भी वस्तु अथवा घटना की वास्तविक प्रकृति का आभास होता है। जैसे कि सूर्य का धर्म उष्णता प्रदान करना है, अग्नि का धर्म जल लाना है और पानी का धर्म शीतलता प्रदान करना है। वैदिक साहित्य में इसके लिए ऋत शब्द का भी प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वानों का कहना है कि धर्म का आशय आचरण की संहिता या सभ्यता द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यदि हम देखें तो धर्म का अर्थ, धर्म को 2 अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है। एक है इसका वैचारिक दार्शनिक अर्थ, है ना, और दूसरा इसका सामाजिक नैतिक अर्थ है। वैचारिक दार्शनिक दृष्टि से धर्म इस बात पर बल देता है कि ईश्वर परम ब्रह्म निराकार अजन्मा अमर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है। इस सृष्टि का रचयिता है, भर्ता और संहार करता है। वह करुणा निधि एवं सृष्टि के चर अचर सभी प्राणियों का आराध्य है। प्रत्येक मनुष्य में आत्मा ही यथार्थ है, आत्मा ही परमात्मा के आंशिक गुण रखती है क्योंकि वह भी अनश्वर है।
वही शरीर के माध्यम से कर्म करती है। मनुष्य को शरीर आत्मा रूपी रति के लिए रथ के समान है ना। ये धर्म की पहली प्रकार का अर्थ है ना। और मनुष्य का उद्देश्य कर्म करके मोक्ष प्राप्ति, इनका उद्देश्य होता है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। और ये पुनर्जन्म जन्म मरण पुनर्जन्म की श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। धर्म का दूसरा अर्थ है सामाजिक नैतिक, है ना। सामाजिक नैतिक दृष्टि से धर्म व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के अनुसार उसके सामाजिक दायित्वों का निर्धारण करता है। धर्मशास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को उसके वर्ण एवं आश्रम के अनुसार दायित्वों की पूर्ति पर जोर देता है। इसी अर्थ में राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, मित्र का धर्म, पिता का धर्म आदि निर्धारित किया गया है, है ना। भारतीय सामाजिक व्यवस्था काल धर्म अथवा आपद धर्म को भी मान्यता प्रदान करती है। इसका मतलब यह है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अथवा विपत्तियों में जहाँ व्यक्ति को निर्धारित धर्म के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता न हो, समय के अनुसार निर्धारित आचरण में विवेकपूर्ण संशोधन भी किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ प्राण संकट के समय, प्राकृतिक विपदाओं के समय और राष्ट्रीय विपत्ति के समय उत्पन्न हो सकती है ना। प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना ही उचित माना जाता है। फिर नेक्स्ट है पुरुषार्थ। मानव क्रियाएँ अधिकांश उद्देश्य पूर्ण होती है। भारतीय समाज में परंपरा की दृष्टि से मानव जीवन के चार लक्ष्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मनुष्य और पशु को पृथक करने वाला तत्व है। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो इस सांसारिक सामाजिक जीवन के उपरांत प्राप्त होता है। अर्थ से आशय व्यक्ति की भौतिक क्रियाओं से है, जो धन उत्पादन और उपभोग से संबंधित है। और व्यक्ति को धन से दूर नहीं भागना है, क्योंकि वह साधन के रूप में खुद व्यक्ति एवं समाज का अस्तित्व है। धर्म के लिए आवश्यकता के अनुसार धन का उपार्जन व उपभोग होना चाहिए। इसी प्रकार से काम से आशय व्यक्ति की कोमल भावनाओं एवं वासनाओं से है। प्रेम और यौन इसके विषय है। ललित कलाओं का जन्म इसी की प्रेरणा से ही हुआ है ना। फिर नेक्स्ट है संस्कार। भारतीय समाज में शास्त्रीय आधारों में संस्कार का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैदिक युग से ही संस्कारों को महत्वपूर्ण माना गया है। आर्यों की यह आस्था थी कि संस्कारों के उचित संपादन द्वारा मनुष्य को प्रताप, तेजस, तेजस्विता प्राप्त होती है। संस्कार से आशय है कि शुद्धि की दानविक क्रियाओं तथा व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक एवं वैदिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान से है, जिससे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन सके, है ना। संस्कार वैचारिक दृष्टि से पूर्ण वैज्ञानिक है। इसके पीछे ऋषि मुनियों की अंतर्दृष्टि, बौद्धिकता तथा अनुभव निहित है। संस्कारों का केंद्र बिंदु वैसे व्यक्ति होता है, फिर भी हिंदू संस्कारों में व्यक्ति को समाज व पर ब्रह्म से जोड़ा गया है ना। भारतीय समाज में संस्कार गर्भाधान से प्रारंभ होकर के मृत्यु के बाद तक चलते रहते हैं, है ना। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्कारों से आत्मा या अंतकरण शुद्ध होता है। फिर ऋण या यज्ञ। भारतीय समाज का एक अन्य शास्त्रीय आधार ऋण व यज्ञ भी है। भारतीयों में यह मान्यता पाई जाती है कि वे ऋणों से बड़े संसार में जन्म लेते हैं। ग्रस्त आश्रम ऋणों से ऋण होने का अवसर प्रदान करता है। ऋण तीन प्रकार के बताए गए हैं, माता पिता के प्रति ऋण, गुरु के प्रति ऋण और देवताओं के प्रति ऋण, है ना। पितृ ऋण से अभिप्राय है कि व्यक्ति उसी प्रकार की संतान उत्पन्न करे जैसे उसके माता पिता ने किए, अर्थात माता पिता के वंश को आगे बढ़ाए। ऋषि ऋण का से तात्पर्य ऋषियों की सदैव स्मृति बनाए रखे और ज्ञान का अधिक अधिक प्रचार करे। और देव ऋण से तात्पर्य यह है कि देव ऋण से ऋण होने के लिए यज्ञ करें। भारतीय समाज संगठन में प्रत्येक दंपति के लिए पंच महायज्ञ को महत्व दिया गया है, जैसे कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ,
अब नेक्स्ट है उच्च आदर्श। भारतीय समाज उच्च आदर्शों पर आधारित है। इसमें सहयोग है, सहनशीलता है, परित्याग है, कर्तव्य तथा अधिकार है, संयुक्त परिवार है, सामूहिक जीवन तथा योग्यता के अनुसार श्रम विभाजन विद्यमान है। इन आदर्शों को हम विवाह को भी प्रमुख स्थान देते हैं। इन आदर्शों के अंतर्गत हम विवाह को भी प्रमुख स्थान देते हैं। भारतीय समाज में विशेष रूप से हिंदुओं में विवाह को काम इच्छा की पूर्ति का साधन न मान करके एक जन्म जन्मांतर का अटूट धार्मिक संबंध माना गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, है ना। फिर है लोकातीत्व। लोकातीत्व भारतीय समाज के शास्त्रीय पाशर चित्र का प्रमुख लक्षण है। धर्म कर्म पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं संयुक्त रूप से भारतीय सामाजिक संगठन को इंद्रियातीत एक इंद्रियातीत विश्व के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला संगठन बना देती है। इसीलिए व्यक्ति इस जन्म को छोड़कर अगले जन्म की चिंता करता है, वह इहलोक से अधिक परलोक की चिंता करता है। फिर नेक्स्ट है पौराणिक गाथाएं एवं प्रतीक। भारतीय समाज के शास्त्रीय आधारों में अंतिम आधार पौराणिक गाथाओं और प्रतीकों का है। रामायण और महाभारत ऐसे महाकाव्य है जो अनेक पौराणिक गाथाओं के आदि स्रोत है। प्रत्येक त्यौहार व्रत आदि के साथ लोक गाथाएँ जुड़ी हुई है। गांव गांव में इनका प्रसार है। इसी भांति देवताओं में भी शिवलिंग है, गणेश है, शालिग्राम, नरसिंह अवतार, अनेक देवियों की मूर्तियाँ अखिल भारतीय स्तर में पाई जाती है। उनका पूजन त्यौहार के रूप में सार्वजनिक रूप से होता है। इष्ट देव के रूप में परिवारों में भी पूजा होती है। ये देवता व्यक्ति परिवार समाज का कल्याण करने वाले माने जाते हैं तथा दुखों से उनकी रक्षा करते हैं। इसी बात ही ओम सत्या नवग्रह भी भारतीयों के धर्म धार्मिक प्रतीक है, जिनका विशिष्ट अर्थ है। सामाजिक प्रतीकों में पुरुष के लिए चंदन तिलक, नारी के लिए बिंदी सिंदूर चूड़ियाँ बीचे महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो देखा बच्चों, आपने भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य से अध्ययन करते हैं तो भारतीय समाज की का पाश्चर्य चित्र इस प्रकार से उभर करके आता है, है ना। इनकी ये विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताया। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।